गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ये मिंत्रा का हॉल करने वाले हैं। दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी मिंत्रा अनारकली कुर्ता सेट्स हॉल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज ये वेडिंग्स में, पार्टीज में, फेस्टिवल्स में कभी भी आप पहन सकते हो। तो चलो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बड़े शुभ वाले कलर से, विच इज ऑरेंज। एंड आई बॉट दिस कुर्ता सेट फ्रॉम दिस ब्रांड इंडस। इंडस पे ना आपको ह्यूज वैरायटी मिल जाती है ऑफ अनारकली कुर्ताज। दे डू हैव सारीज, दे डू हैव नॉर्मल कुर्ता सेट्स, बट उनके जो अनारकलीज है ना, स्पेशली आई रियली लव देम बिकॉज ज़्यादातर उनका जो आप फोटो देखोगे ना वेबसाइट पे, इट इज़ मोस्टली लाइक कि मलाइका अरोरा इज़ वेयरिंग मोस्ट ऑफ देयर स्टफ एंड वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में, काफ़ी ऐसे टेम्पटिंग लगते हैं। सो आई ट्राइड दिस वन आउट। ये आएगा हमारा सुंदर सा अनारकली। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है। इफ यू विल लुक एट दिस, द कलर, द एम्ब्रॉयडरी, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। हाँ, इस पे एम्ब्रॉयडरी दी गई है फ्रंट में, ऑन द स्लीव्स, इन द फ्रंट ये एम्ब्रॉयडरी मिलेगी आपको। बट जब यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है एक कट के बाद, तो यहाँ पर आपको ये प्रिंट मिलेगा थ्रू आउट द कुर्ता सेट। और नीचे इसमें फ्रिल का पैटर्न है, बैक में भी प्रिंट मिलेगा, अंदर इसमें अस्तर है। आई बॉट इट इन द साइज लार्ज और इसमें जो अस्तर आएगा दैट इज ऑफ क्रेप। तो ये फुल स्लीव आएगा, एकदम बढ़िया। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको ट्राई करने के लिए। और इस कुर्ता के साथ आपको पैंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फुल लेंथ अनारकली है। इसके साथ आपको मिलेगा ये नेट का एक दुपट्टा, विच इज़ ऑफ ओके क्वालिटी, नॉट बैड, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी है, चुभता नहीं है वाला नेट। और ये सेम बॉर्डर मिलेगा जो कि सूट पर भी दिया गया है। चलो तो इस प्यारे से कुर्ता सेट को स्टाइल करके आते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? सो व्हाट आई डिड हियर इज कि ये पूरा पूरा स्टाइलिंग का खेल है। कुर्ता सेट बहुत सुंदर लग रहा था, इट फिट्स परफेक्टली एंड मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द ज्वेलरी, क्योंकि इसमें काफ़ी वाइट था तो मैंने यहाँ पे कोई गोल्डन कुंदन ऐसा कुछ चूज़ नहीं किया। आई वेंट विद दिस ब्यूटिफुल नेकलेस दैट आई बॉट फ्रॉम कैरेट कार्ड, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके साथ ये इयररिंग्स भी आए थे तो ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको। साथ में मैंने बालों में एक व्हाइट कलर का फ्लावर लगा लिया है, बाल साइड में ले लिए हैं, हाथ में मैंने कुछ बैंगल्स पहन लिए और साथ ही एक रिंग भी पहन ली है जो कि अगेन पर्ल वाले टच में थी। एंड दैट्स द फाइनल लुक। इसका जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन ऑल्सो वेयर अ कैन कैन स्कर्ट विद दिस। तो अभी जो फ्लेयर ऐसे मतलब थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे फॉल हो रहा है ना, तो वो हल्का सा उठ भी सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर घर में फेस्टिवल वगैरह पे पहन रहे हो तो बिना कैन कैन के पहनो, पार्टी में जा रहे हो, वेडिंग में जा रहे हो स्पेशली, यू कैन वेयर इट विद कैन कैन, ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको दोनों लुक्स दिखाती हूँ। ओके, कुर्ता सेट ने तो दिल जीत लिया। अब नेक्स्ट की बारी है, चलो ये वाला देखते हैं। दिस इज़ अ ब्लू कलर, अगेन फ्रॉम इंडस। मुझे लग रहा है कि मैंने मैंने सब इंडस से ही ऑर्डर किए हैं। तो इस कुर्ता सेट में पैंट और दुपट्टा दोनों आए। लकीली इसमें पैंट आएगा, ये ब्लू कलर का सिंपल सा एकदम स्ट्रेट फिट पैंट दिया है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दुपट्टा, नेट का दुपट्टा है विद दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर जो कि बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस कलर को। दिस इज़ नॉट वे टू हैवी गोल्ड शाइनी वाला, बहुत अच्छा सटल गोल्ड कलर दिया है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द कुर्ता सेट, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लू कलर कुर्ता जो कि आएगा कुछ इस टाइप में। बेसिकली ये ना थोड़ा सा है तो ए लाइन ही, काफ़ी घेर भी ठीक है इसमें, लेकिन इसमें ना फ्रंट स्लिट आता है यहाँ पे, इसलिए इसमें पैंट दिया है इन लोगों ने। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्रंट सेक्शन, तो ये लगेगा कुछ इस टाइप का। बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी दी गई है, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू लुक वेरी ब्यूटिफुल। द कलर इज़ वेरी नाइस, एम्ब्रॉयडरी बहुत बढ़िया लग रही है, स्लीव्स भी इसके लगभग इतने आते हैं। इसको ट्राई करने के लिए आई एम क्वाइट एक्साइटेड। चलो देखते हैं ये कैसा लगेगा पहनने के बाद, इसको स्टाइल करते हैं। फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ रेयन काइंड ऑफ फैब्रिक, मतलब लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का ये रेयन है, वैसा वाला नहीं जो सुकड़ जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है इस कुर्ता सेट का। चलो देखते हैं, इसके लिए एक ही शब्द है, वाओ। ये अनारकली वाली फिट तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये बहुत रॉयल और बहुत ही ऐसे क्लासी और एकदम थोड़ी राजस्थानी वाली वाइब्स भी दे रहा है बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वरिश स्टोन और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब ये मुझे हल्का सा यहाँ से टाइट है बट यहाँ से लूज है। आई बॉट इट इन द साइज़ लार्ज बट अभी वो प्रेगनेंसी की वजह से आई थिंक ये थोड़ा मिसमैच हो गई है चीज़ें, क्योंकि ऊपर से बॉडी बढ़ नहीं रही, जस्ट दैट बम्प विच इज़ ग्रोइंग। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई विल हाईली रिकमेंड दिस टू यू। मैंने इसके साथ ये बहुत ही सुंदर से इयरिंग्स पहने, इसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वेयरिंग दीज कॉन्ट्रास्ट मरून बैंगल्स। एंड या दैट्स द फाइनल लुक, पूरा लुक दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, बट मुझे ये काफ़ी काफ़ी पसंद आया। ट्रस्ट मी, फैब्रिक जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में, बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा है। दुपट्टा इज़
रियली अमेजिंग। ये वाला कुर्ता सेट तो एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही ऊपर निकला। मूविंग ऑन टू अनदर वन, ये है सुंदर सा ग्रीन कलर, अगेन फ्रॉम इंडस इन द साइज लार्ज। सो इसमें भी सिर्फ दुपट्टा आया है, इट हैज़ नो पैंट्स, क्योंकि ये भी एक फुल लेंथ अनारकली है। दुपट्टा जो है वो नेट में है अगेन, तो दुपट्टा आएगा कुछ इस टाइप का, इस तरीके से इसमें बॉर्डर बनाकर दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है दुपट्टा तो फिलहाल। नाउ लेट्स सी द कुर्ता। कुर्ता काफ़ी हैवी लग रहा है पकड़ने में, रेस्ट पता चलेगा। ओके, सो इट्स क्वाइट हैवी, इसमें बहुत ज़्यादा घेर है लिटरली। इसमें ऐसे ना इन लोगों ने प्लीट्स बनाकर दी हैं घेर के लिए। एंड इफ यू विल सी द बॉटम, बॉटम पे बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी की गई है विद वाइट थ्रेड एंड सम सीक्वेंस गोइंग ऑन, और बाकी पूरे पे एम्ब्रॉयडरी वाला बूटा है छोटा छोटा। ऊपर की अगर बात करें देन इट इज़ ऑफ दिस टाइप, और इसमें इस तरीके का अंगरखा स्टाइल आएगा, और ये सेम जो आपको बॉर्डर मिल रहा था दुपट्टे पे वही सेम इस पर भी दिया गया है, एंड चूड़ीदार स्लीव्स आएंगी। तो क्वाइट एक्साइटेड। इसका कपड़ा जो है दैट इज़ सुपर सुपर सॉफ्ट, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है इसकी, एंड ये काफ़ी हैवी है, लाइक लिटरली आई कैन फील द हैवीनेस ऐसे पकड़ने में भी। तो चलो इसको स्टाइल करते हैं। ये आउटफिट लग तो बहुत सुंदर रहा है, आउटफिट में कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट दैट द फिटिंग इज़ नॉट राइट फॉर मी। मुझे स्लीव से ये काफ़ी लूज़ है, सो क्योंकि मैंने बड़ा साइज़ मंगाया तो ऑब्वियसली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होगा फिटिंग में, लेकिन इसका जो लुक है वो काफ़ी हैवी आता है। इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। द फैब्रिक इज़ सुपर सॉफ्ट, सो कम्फर्टेबल, बट काफ़ी हैवी है ये। एंड जो दुपट्टा है इसका वो भी बहुत सुंदर लग रहा है इस कुर्ता सेट के साथ। मैंने इसको स्टाइल किया विद सम पिंक ज्वेलरी बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट दिस कॉन्ट्रास्ट। इस ग्रीन के साथ लाइट पिंक बहुत अच्छा लगता है, बालों में हेयर एक्सेसरी लगा ली, एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट लुक फॉर एनी वेडिंग और हल्दी अगर आप जा रहे हैं किसी में। इट विल गिव यू अ वेरी नाइस एंड अ यूनिक लुक, एंड अपने साइज का ऑर्डर करना, इट विल लुक वेरी नाइस। साथ में मैंने ना यहाँ पे कैन पहन ली क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉल कर रहा था इसके फैब्रिक की वजह से। कैन पहनने की वजह से इसको बहुत अच्छा शेप मिला, सो आई विल हाईली रिकमेंड वेरिंग कैन विद दिस। बड़ी कुर्ता सेट मुझे बहुत पसंद आया, आई विल शो यू कि ये पूरा कैसा लग रहा है। आपको अच्छा लगा हो बिकॉज मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड मूविंग ऑन टू अनदर कुर्ता सेट, इस पर तो मेरी बहुत दिन से नजर थी, इसका ब्लू मैंने देखा था बट लकीली इस बार पिंक स्टॉक में था, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट अगेन फ्रॉम इंडस। एंड इसमें भी सिर्फ दुपट्टा ही आया है, इट्स अ फुल लेंथ ब्यूटीफुल अनारकली, अगेन यही मैंने मलाइका को पहने हुए देखा था, सो आई वॉज सो फैसिनेटेड विद दिस लुक। बहुत ही सुंदर सा शेवरॉन प्रिंट दिया गया है, ये एक्चुअली प्रिंट नहीं है, ये इस फैब्रिक में ही अंदर वीविंग है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, कि चलो निकलने का चांस नहीं है। एंड नीचे फिर ये एकदम स्ट्रेट आता है इस तरीके से, कितना सुंदर लग रहा है, जैसे मैंने फोटो में देखा था ना उससे लाख गुना अच्छा लग रहा है मुझे। सो इसका जो दुपट्टा आएगा दैट विल बी प्लेन लाइक दिस, सिंपल दुपट्टा है, सिंपल सा बॉर्डर है, क्योंकि कुर्ता काफ़ी हैवी है तो इतना प्लेन दुपट्टा तो इस पर बनता था। तो चलो मैं इसको ट्राई करके आती हूँ। एंड अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ, दिस इज़ लिटिल बिट ऑन द सिल्क साइड, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। इस कुर्ता सेट को स्टाइल किया है मैंने विद दिस लेयर्ड पर्ल नेकलेस, जो कि मैंने जवेरी पर्ल से लिया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये जो रानी हार है ये मल्टीपल लेयर्स में आता है, बट ये मैंने 3 लेयर वाला पहना है बिकॉज इट इज़ वे मोर प्रैक्टिकल देन दैट जो वो बड़े वाला होता है, वरना फिर जया बच्चन वाली फीलिंग आती जो वो अंबानी वेडिंग में पहन के गई थी, क्योंकि वो काफ़ी हैवी लुकिंग हो जाता है। एंड ईयरिंग्स मैंने ये इसके साथ आई थी वही वाले पहने हैं। कमिंग ऑन टू द बैंगल्स, यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है, आप आ गए, तो इसमें मैंने ग्रीन कलर के बैंगल्स पहने हैं यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं इसके साथ, एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस लुक। दिस इज सो परफेक्ट फॉर एनी वेडिंग फेस्टिवल, कभी भी आप इसे पहन सकते हो, ये हमेशा ही बहुत सुंदर लगेगा। कपड़े की बात करूँ तो ये स्किन को इरिटेट नहीं कर रहा है, दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ, आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। एंड या चलो पूरा लुक दिखाते हो, और इसके भी अंदर मैंने कैन पहनी है टू गिव इट दैट लिटिल स्ट्रक्चर एंड फ्लफी लुक।
दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल कुर्ता सेट ऑफ टुडेज वीडियो। तो ये आएगा जॉर्जेट फैब्रिक में एंड द फैब्रिक इज सुपर सॉफ्ट, जिसको हम आराम से कैरी कर सकते हैं। और इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी मिलेगी ऊपर की तरफ और फिर नीचे प्लीट्स दिए गए हैं, प्लीटेड फैब्रिक ही है नीचे तक पूरा। और इस तरीके से आएगा, अंदर अस्तर भी है एंड काफ़ी हैवी कुर्ता सेट है, ये भी बहुत अच्छा लुक देने वाला है। एंड स्लीव्स आएंगे इसके जॉर्जेट में ही विद एम्ब्रॉयडरी एंड द दुपट्टा इज रियली रियली प्रिटी। मतलब इस तरीके के दुपट्टे काफ़ी अच्छे लगते हैं। फैब्रिक इज अगेन सेम सॉफ्ट जॉर्जेट और इस तरीके का बॉर्डर मिलेगा इस पे आपको। तो ये कलर भी बहुत सुंदर है एंड दिस ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस फॉर इंडियन स्किन टोन। तो चलो इसको पहन कर आते हैं। तो जी, ये है हमारा लास्ट कुर्ता सेट का लुक। आई होप कि आपको पसंद आएगा, बिकॉज मुझे तो ये कलर, ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है। सो अप्रोप्रिएट फॉर मेहंदी एंड फेस्टिवल्स। इसको मैंने कैसे स्टाइल किया, मैंने गजरा लगाया बालों में और ये वाले सुंदर से इयररिंग्स पहने हैं, जो कि इसको बहुत ही डिफरेंट सा लुक दे रहे हैं एंड इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी। हाथों में बैंगल्स आप पहन सकते हो, यहाँ पे आप कोई गोल्डन इयररिंग्स भी पहन सकते हो लंबे लंबे, वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। बट आई वॉन्ट टू चेंज द लुक, तो मैंने डिफरेंट सा कुछ पहना है टू मेक इट लुक रियली ब्यूटिफुल एंड प्रिटी। तो चलो पूरा लुक दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है। बाकी ये काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में, फैब्रिक इज जस्ट अमेजिंग। आज मैंने जितने भी फैब्रिक्स आपको दिखाए उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा फैब्रिक मुझे इसी का लगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वन।